आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन, ठीक है। तो पूछा है हमसे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पे कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं 5 सेकंड कहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं ए इक्वल्स टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, वी वर्सेज टी ग्राफ, ठीक है। ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे अगर एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, एट टी इक्वल टू अगर 5 सेकेंड देखा जाए तो ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये, ठीक है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड, तो यहाँ पे जो हमारा ये स्लोप आ रहा है डी वी अपॉन डी टी, ये क्या आ रहा है, हॉरिजेंटल लाइन। इसका मतलब ये क्या है, डी वी बाई डी टी, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। तो t इक्वल टू 5 सेकंड पे हमारा जो एक्सेलरेशन है, जीरो। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एक्सेलरेशन t इक्वल टू 5 सेकंड क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। अगर इधर जीरो से 2 सेकंड के बीच में देखा जाए तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे 2 / 4/2, ये इधर से ये जो एक्सेलरेशन था ये 2 m/s² था, बट यहाँ पे जैसे ही आ गया ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा। जैसे ही कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होता है, और वैसे भी देखा जाए तो a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। एट t इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी हमारा 4 m/s है, तो ये वेलोसिटी हमारा 4 m/s है, और ये जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ये क्या होता है, जीरो। इसलिए एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या आ गया, जीरो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।